Assalamualaikum and welcome to Voz presents the Hum Eat Show with me Yasir Hussain, powered by Allpurs and Lux. बच्चों, बड़ों और दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी जगह है मारियाना ट्रेंच, जिसकी तकरीबन गहराई है 11,000 मीटर। लेकिन एक बात बता दूं, उससे भी एक गहरी जगह है जो है मेरा दिल, और उसकी गहराइयों से मैं आपको कहता हूं ईद मुबारक। आज वो दिन है जब रूठे हुओं को मनाया जाता है और टूटे दिलों को जोड़ा जाता है। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो इकरा ने गोंद से मेरे तकरीबन टूटे हुए दिल को जोड़ दिया। रही बात रूठे हुओं को मनाने की, तो वो जिम्मेदारी ली है मेरी चार दोस्तों ने। जी हाँ, वो चार सेलिब्रिटीज जो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, वो चार ग्लैमर क्वींस जिनसे मेरी उदासी देखी नहीं जाती, और वो चार ट्रेंड सेटर्स जिनके आने से आ जाती है मुंह पर रौनक और लोग समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आ रही हैं ये शाहकार, वो भी एक नहीं चार चार। एक होते हैं वीआईपी गेस्ट, एक होते हैं वीवीआईपी गेस्ट। ये लोग वो हैं जिन्हें कुछ अरसे में लोग लेजेंड लेजेंड कह के बुलाएंगे। ये वो हस्तियां हैं जिनके लिए मैडम टुसॉड के म्यूजियम में आर्टिस्ट लड़ रहे हैं कि इनका मुजस्मा तुम बनाओगे, वो कह रहे हैं नहीं तुम बनाओगे। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर माय फर्स्ट गेस्ट, जिनके हुस्न के आगे फीके पड़ जाते हैं सारे रंग। प्लीज वेलकम सनम जंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सनम, आपका सलाम आज भी होस्ट वाले। कैसी हैं आप? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। और अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मेहमान की तरफ। ये वो हैं जिनके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में चर्चा हुई है कि अगर क्वीन एलिजाबेथ कुछ अरसा और जिंदा रहती तो उन्हें भी इनसे इंटरव्यू करवाने का शर्फ हासिल होता। द एक्सपीरियंस द गॉर्जियस निदा यासिर। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। बिल्कुल कैसे, प्लीज आइए। और अब आ रही हैं वो जिनकी वाइब है उनकी पर्सनालिटी की तरह कोमल। प्लीज वेलकम माय फ्रेंड मोमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोमल, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक आपको। बहुत 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 ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। शॉर्ट फॉर्म में ली ना मैं ईद मुबारक। भाई आप लोग बहुत अच्छी लग रही हैं, और अभी अभी मेरे पास खबर आई है कि इस वक्त जितने ईद शोज चल रहे हैं उसमें सबसे खूबसूरत पैनल हमारा है। क्या बात है, मतलब आपने एनर्जी, मुझे पता है, हम लोगों को पता चल गया कि गेस्ट में एनर्जी कैसे डाल। बिल्कुल यकीनन, अगर अदनान सिद्दीकी यहाँ होते और आप लोगों को देखते तो वो यही कहते कि सो ब्यूटीफुल सो गॉर्जियस लुकिंग लाइक अ वॉ। बोल रहे होंगे देखते हुए, हैं अभी भी बोल रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो तारीफ के बगैर नहीं रह सकते। दैट्स अ नाइस क्वालिटी। यस दैट्स अ नाइस। बिल्कुल ऐसा ही है, स्पेशली खवातीन। लेकिन पता नहीं, दैट्स आल्सो ग्रेट क्वालिटी। पता नहीं वो अपनी बीवी की तारीफ करते हैं कि नहीं। हाँ नहीं नहीं, बहुत 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 तारीफ करते हैं हर लम्हा। आपकी तरह है? आपकी तरह मुझसे भी ज्यादा करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आप लोगों की? ईद तो बहुत अच्छी, बड़ी मजेदार, देखे ना चमक धमक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ओ ईद आपका। यस अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ी देर में अभी आप लोगों के लिए, वैसे ईदी का इंतजाम है अभी अभी कम्प्लीट होती है। अस्सलाम वालेकुम सर। और ये रिकॉर्ड है कि इनके फादर जावेद शेख साहब ने हमारे एक ईद पे शो पे सबको ईदी दी थी। हमने इसी तरह अस्सलाम वालेकुम करके आदाब आदाब। मैंने पहले ही कहा है ये नकली शेख हैं, क्या बांट रहे हैं, वो शेख कैसे हो सकते। अच्छा अपनी बारी पे तो आओ। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? बारिक करो जल्दी से, जल्दी करो। आपका मैंने अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरे ख्याल आपका इंटरव्यू था जिसमें आपने कहा मैं वो टमाटर वगैरह, एक टमाटर लेने के लिए जाना पड़ता, तो अभी आप भी बाहर रहे हैं, आपको पता है तो खत्म हो जाता है ना यासिर।
नहीं आपने कहा मैं एक टमाटर लेने जा रहा हूं, मतलब कि बेसिकली चार टमाटर है, आपको पांच की जरूरत है, तो वो एक रह गया ना, पड़ोस में मांगा नहीं जाता ना वहाँ पे, वो मांग सकते हैं लेकिन दोस्ती अभी ऐसी नहीं है ना कि अभी तक excuse me, excuse me, नहीं। देखो वो देखने के बाद वो आएंगे तुम्हारे पास टमाटर लेके, सारे टमाटर मेरे घर आएंगे। I'm sorry, हमें एक ब्रेकिंग न्यूज पे जाना पड़ रहा है, तो प्लीज ये वेरी इवनिंग स्पेशल न्यूज है, हम टीवी पे आए कि हम न्यूज पे आए, लेकिन न्यूज बड़ी ये स्पेशल है तो इसको हमें देखना पड़ेगा। प्लीज चलते हैं न्यूज बुलेटिन की तरफ। आप देख रहे हैं इवनिंग वेरी स्पेशल बुलेटिन। अस्सलामुअलैकुम, मुल्क की आम खबरों के साथ मैं हूं यासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस नहीं होंगी, होंगी ईद विशेस। मुल्क में तमाम स्मार्टफोन यूज करने वाले नॉन स्मार्ट लोगों को मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। और अब हेडलाइंस। सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और तमाम सूबाई गवर्नर्स ने बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ आज नशर होने वाले ईद शो को देखने का एहतमाम कर लिया। आलमी इदारा सेहत ने तमाम दिल जलों को आज यासिर हुसैन के ईद शो देखने की ताकीद कर दी। और अब खबर नहीं सिर्फ सनसनी, ममता भरी वीडियोस बनाने पर मोमल शेख को मिली आलमी डिस्टिंक्शन। बच्चों के साथ ममता भरी रील्स बनाने पर इंस्टाग्राम ने मोमल शेख को मादरे इंस्टाग्राम के खिताब से नवाज दिया। यासिर नवाज ने निदा यासिर को 500 करोड़ शो मुकम्मल होने पर सिर्फ 5 अल्फाज में ट्वीट करके मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, निदा 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 मुबारक हो, जिसके जवाब में गिनीज बुक वालों ने इस ट्वीट से लातालुकी का ऐलान कर दिया। गिनीज बुक वालों ने कहा कि निदा एक एक्सपीरियंस्ड होस्ट हैं, जबकि हम एक नई किताब। मशहूर होस्ट सनम जंग हवाला हुंडी केस में किमाड़ी कोर्ट में तलब, मोमल शेख की सिफारिश पर यहां आने की इस्तस्ना हासिल कर ली। और अब माशी खबरें। मोमल शेख ने अच्छे कैमरे वाला फोन खरीदने के लिए वर्ल्ड बैंक में कर्जे की दरख्वास्त दे दी। आलमी इदारे ने माजी का रिकॉर्ड देखते हुए दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिस पर मोमल शेख ने कीटो डाइट पर जाने का फैसला कर लिया। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों में सबसे पहले खेलों की खबरें। खेलों के शायकीन हुए बेपनाह खुश, क्योंकि निदा यासिर ने तमाम खेलों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। शायकीन खुशियां मनाने के लिए छतों पर चढ़ गए, कुछ शायकीन को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो दूसरों की छतों पर चढ़ गए। खबरों की तफसील जानने का कोई फायदा नहीं। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए वेरी इवनिंग स्पेशल बुलेटिन। मुझे दीजिए इजाजत, ईद मुबारक। बेटा इसमें इंकी डलवा लिया करो, जेब से खबरें डाल रहा हूँ मैं। तो ये थी न्यूज बुलेटिन, कैसी लगी आपको? कोई किसी बात पे क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे? जी मैं चाहती हूँ क्लेरिफिकेशन। आप चाहती हैं? हाँ। चलें बस दफा करें इस बात पे। क्या नहीं, नहीं। तो बताओ क्लेरिफिकेशन, बताओ मैंने कौन सा फोन खरीदा, मुझे एक्चुअली फोन चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यार, ये बात मैंने क्या हवाला हुंडी की है और भाई मैंने मेरा कुछ नहीं है, ये हम टीवी का स्क्रिप्ट है। चलो बस अगर हम टीवी का है तो चलो माफ कीजिए, सारी जिंदगी आप लोग दूसरों का स्क्रिप्ट बोलते रहे हैं और मैं बोलूं तो गलत है। बोल रही हैं, हम तो चाहते हैं कि हम आपका स्क्रिप्ट बोले लेकिन आप चांस ही नहीं देते। मैं जो है ना आप लोगों के लिए ईद की खुशियों को और मीठा करने के लिए ये लेकर आया हूँ। एस अब्दुल खालिक स्वीट है, ये 180 साल से मिठाइयाँ बना रहे हैं। अरे बाप रे। और ये बहुत ही मजेदार मिठाई है ये। सनम आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लीजिए, प्लीज। ये निदा, ये आपके लिए बिल्कुल देखें, ये आपके लिए। ये मोमल को दे दें आप। नहीं आप अच्छे नहीं, ये वाला आप मोमल को दे दें। मोमल आप वापस निदा को दे दें। शेयरिंग इज केयरिंग, देखिए ईद का मजा यही है, क्या रहे हो, शेयर करते हैं। पास ही तो बिलो की भाई की दुनिया का ये एक बड़ा नाम है, इस तरह सब में अलग अलग थोड़ी देंगे, एक ही बटेगा बड़ा नाम। तो अब मैं भी दूं वापस अब्दुल खालिक की मिठाई, 180 साल से मिठाई बना रहे हैं और बहुत मजेदार मिठाई है, इस बात की गारंटी लेने को तैयार हूँ। मुझे ये बताएं, ये तो 180 साल से मिठाई बना रहे हैं, आप लोग घर में क्या बनाते हैं ईद पे? कुछ बनाते हैं? खीर खुरमा बनता है। आप बनाते खुद? नहीं मैं खुद नहीं बनाती, अब मैं कुकिंग शुकिंग नहीं करती, मैंने सिखा दिया, ट्रेन कर दिया एक बाला को। एक बाला? एक बाला हमारी मोहनजोदड़ो से निकली हुई एक बाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपके घर में कौन बनाता है? ईद के दिन हम लोग घर पे नहीं होते, ईद के दिन आपके घर पे ससुराल जाना होता है, अम्मी के घर जाना होता है, तो हम घर पे नहीं पड़ती। तो लेकिन शीर खुरमा बनता है जो कि मैं नहीं बनाती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि हर साल बनाऊँ, बट नहीं बन नहीं हो सकता ना। आप भी नहीं सनम, देखिए मेरी जो सिचुएशन है, ऑल दीज इयर्स अम्मी के यहाँ ईद गुजरती थी तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, शाम की अम्मी के यहाँ जाते थे, घर जाते थे तो पेट ही भरा होता था तो सो जाते थे। तो अब मेरे ख्याल से ये ईद अगर मैं बाहर होती तो मैं कुछ बना लेती। अच्छा मुझे बताएं आपसे, मैंने पूछना है क्या आज भी आप ईद पे मेरा नाम लिखवाती हैं मेहंदी से?
मैंने अपने वाले यासिर का नाम नहीं कभी लिखवाया, लेकिन मेरे भाई की शादी हुई थी 2 साल पहले, तो उसकी बीवी ने अपने हाथ पे लिखवाया हुआ था मेरे भाई का नाम। तो यासिर को पता नहीं क्या हुआ, कहने का निदा मेरा नाम लिखवा मेरा। मैंने कहा तुम पागल हो, 20 साल उस वक्त 20 हुए हुए थे, अभी 22 होने वाले। तो कहते हैं कि हाथ पे नाम लिखो। मैंने कहा यासिर चीप, बच्चे क्या कहेंगे, वो क्रिंज क्रिंज करना शुरू कर देंगे। मैंने लिखवाया फिर भी। तो आपने लिखवाया? आप लोग भी करते हैं ये वाला हल्का पुल्का चुचुरापन? नहीं, ये मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन ये अभी होगा 22 साल। चुचुरापन नहीं, आई मीन क्या इसमें चुचुरापन क्या? मैं अपने अल्फाज वापस ले दूं? आप अपने अल्फाज वापस लें, क्योंकि इकरा ने भी लिखवाना है यासिर। अरे जब मैंने कह दिया मैं वापस लेता हूं। ये तो एक चुचुरापन है। बहुत नादिर को मेहंदी पसंद है, तो नादिर को जब मेहंदी नहीं पसंद तो नाम लिखवाना तो बहुत दूर की बात है। इकरा ने तो मेहंदी का वो कमाल, मेहंदी नहीं पसंद। मुझे वो जब लड़कियों की मेहंदी उतर रही होती है ना, मुझे जब आए होती है तो लाइक इट, कि बस ये लगी रहे, जब उतर जाती है तो अजीब सा। बहुत अच्छी। वैसे और क्या क्या रोमांटिक चीजें होती हैं शादी में जो अमूमन की जा सकती हैं और लोग ना बोलें क्रिंज है? छोटी छोटी चीजें, हर किसी के, हर कपल का रोमांस अलग होता है इसका। जैसे अगर सनम का रोमांस देखे, मुझे ऐसा लगता है इसके रील देखने से कि इसका बुरा बनाया हुआ खाना इसका मियां खा लेता है, वो भी रोमांस है। मुझे तो क्या लगता है जब वो घर साफ कर रहा होता है, वैक्यूम कर रहा होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। आई थिंक दी छोटी छोटी चीजें होती हैं आपकी शादी में। इट डजंट रियली, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप आई लव यू कहें, बट आप एक दूसरे का जिस तरह ख्याल रखते हैं, ये छोटी छोटी चीजें एट द एंड ऑफ यू नो आफ्टर कपल ऑफ बेटर है आप वैक्यूम कर लें। नहीं, आप फूल भी दें। ये नहीं हो रहा कि फूल नहीं आ रहा है, सिर्फ वैक्यूम करें, वैक्यूम भी करें और फूल भी दें। जमाने फलक सारा को बहुत गुलाब के फूल दे रहा था, तो देख के ना कुछ हो रहा था, कंटेजियस होती है ये चीजें। तो मैंने वो बाद में पता चला वो फलक की अपनी दुकान भी फूलों की, वो उसकी पब्लिसिटी बाकी असल में नहीं भाई। यासिर आई थिंक मुझे खाना भी बहुत पसंद है। जब कसाम कभी खाना मेरे लिए ले आता है ऑर्डर, मुझे वो उससे बड़ी मोहब्बत मुझे फील होती है। सो स्वीट है ना, खाना कहीं से ले आए। हाँ, ना अलग रोमांस है। जिन लोगों को खाने का शौक है वो खाना गिफ्ट में लाते हैं। मेरे मियाँ को भी खाने का शौक है, इसके मियाँ को भी, तुम्हारे मियाँ को किस शौक है? मेरे मियाँ को खाने का बिल्कुल भी इतना कोई खास शौक नहीं है। क्या कहते हैं सैलानी वालों की बीवियाँ कितना खुश होती होंगी, उनके मियाँ तो किस किस को खाना नहीं खिला। अच्छा तो आप अपनी मियाँ को किस चक्कर में फिर कहती हैं कि वो नहीं है? क्या मतलब क्या नहीं है? कहती हैं कि क्या रोमांटिक नहीं है, उनके रोमांस करने का अंदाज अलग होगा। नहीं, मुझे वोकल होना चाहिए ना भाई। हो सकता है वो कहीं और हो वोकल। अब वही तो यही तो पता करके बताइए जरा, पता करके खबर। अच्छा आप एक मेरे पास ना वन वर्ड आंसर आप लोगों ने देना है, हाँ या नहीं में आपने सिर्फ जवाब देना और आप कुछ नहीं कह सकते। हमें क्या मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम। अरे आपको अभी एक चीज दी है जो आपके साथ पड़ी हुई है, पहले वो तो खा ले। अब ये ले जाना, ये चीजें उठा के ले जाना। यासिर मैं तुमसे सलाम कर रही हूँ, मैं यहाँ लोगों को नहीं सलाम कर रही हूँ। इट्स वन ऑन वन सलाम। वन ऑन वन सलाम, मैं भी वालेकुम सलाम कह रहा हूँ आपको मुसलसल। आप ईद के दिन कर रही हूँ मैं आपको सलाम। सलाम का मतलब क्या होता है? तुम पर सलामती देना। पुलिस वाले के सलाम का मतलब होता है कि उसे चाय पीनी है। आपके सलाम का मतलब ईद वाले सलाम का मतलब है ईदी देना। मतलब आपको आदाब करना चाहिए। आदाब होता है आप सलाम सलाम कर रही हैं। ये ना पता हो कि सलाम और आदाब अब कैंसिल मोमल की ईदी से तो मैं बात भी नहीं करता। आदाब करना चाहिए, सलाम सलाम। मैं भी कोई सलाम सलाम नहीं। आपसे मैंने पूछना था कि क्या आपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीदने बंद कर दिए? कभी आज तक नहीं खरीदे। नहीं, जवाब ही हाँ या ना? हंस गए, हंस गए। नहीं प्लीज जवाब दें, क्या हाँ या ना? क्या आपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स खरीदने बंद कर दिए? यस यस नो नो यस नो यस यस नो यस। निदा क्या आपने यासिर को अपनी मर्जी से कास्टिंग करने की इजाजत दे दिया? हाँ। सनम क्या आपने एयरपोर्ट पे चीजें घुमा के लोगों से हेल्प मांगने की आदत बंद कर दी? मैंने कब चीजें घुमाई? ये तो सिर्फ पैसे घुमाए थे एक दफा। पैसे घुमाए थे? हाँ। सामान नहीं घूम गया था आपका? एक मशहूर खिलाड़ी ने आपकी मदद की थी। नहीं, वो मेरे पैसे थे, वो पैसे थे, पैसे खोए थे। बट द आंसर इज यस, मैंने घुमाना बंद कर दिया। बंद कर दिया जी। मेरी बीवी ने अभी तक बंद नहीं किया। हर ट्रिप पे एक चीज खो रही है हमारी। पहले उसने अपना फोन खो दिया, वो दुबई एयरपोर्ट पे फंसा रहा। अभी अमेरिका गए तो आईपैड खो गया। पूरे 40 दिन हमारे पास आईपैड नहीं था। फिर वहां से हमने एक और खरीदा, फिर वापसी पे हमें मिला वो। कोई बात नहीं, नए का टाइम होगा। आईपैड तो जरूरी होगा ट्रैवलिंग में। ट्रैवलिंग के लिए भी जरूरी होगा। ये तो सिर्फ वार्म अप था आपके साथ। अभी और बहुत मजे मजे की गेम्स हमने खेलनी है अभी तो। चले जी, ब्रिंग इट ऑन। और अगर ब्रेक पे जाना तो जल्दी जल्दी जाएं। हां बिल्कुल, क्योंकि हमें
आदत नहीं है। अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। अरे ये लोग मुझे ब्रेक देने नहीं दे रहे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था एक आदमी एक औरत बुलाया करो। दो ऐसी औरतें बैठी हैं जो इतनी देर से ब्रेक ले ही नहीं रहा है। यही दो समझ आ गया कि ब्रेक का टाइम है। 50 करोड़ यार आप ले लें, फिर आप ले लें ब्रेक। आप जल्दी से ब्रेक पे जाएं, शीर खोरमे का ब्रेक लेंगे। और अगर शीर खोरमा बना हो ऑलपर्स दूध में तो उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलपर्स है गजाइत से भरपूर मुकम्मल दूध। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक एंड ईद मुबारक। मेरे साथ सनम, निदा और मोमल मौजूद हैं और हम और मजे मजे की गेम्स खेलेंगे। कहते हैं कि अगर आपने कोई अच्छे अमाल किए हों तो दुनिया में ही आपको उसका फल मिलता है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अमाल किए हैं, इसीलिए आपको फल की सूरत में ये खूबसूरत शो मिला है। okay. मेरे साथ मनाने का, ईद मनाने का मौका। मुझे लगा एक और तोहफा आने वाला है जो हम तीनों ने शेयर करना है। ईद मनाने का मौका मिला है आप लोगों को। आप मैंने सुना है कि फौरन ही फेस पढ़ लेती हैं अपने शौहर का जैसे ही वो काम से वापस आते हैं। आज हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है। आपने इतने शोज किए हैं माशाल्लाह, आप तो हर ही सेलिब्रिटी का फेस पढ़ लेती हैं। थैंक यू। और आपसे तो मैं इस बारे में मालिक बात ही नहीं करूंगा। नहीं, मेरी नजर कमजोर है, मुझे नहीं नजर आता। इसीलिए आप रूह पढ़ती हैं। लेकिन सुना है कि रूह में झांक लेती हैं आप। अभी क्या करना है, सबके दिलों का हाल इनको पता है। किस किस की रूह में झांका? मैं रूह को झांक लेती हूँ, पता लगा लेती हूँ और फिर पर्दा रखती हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। नाइस। ये होता है रमजान से कुछ ना कुछ सीखता है इंसान। बिल्कुल निदा ने ये सीखा। छोटा सा गेम है। okay. हम इसमें विस्पर करेंगे और आपने लबों की जुम्बिश से पहचानना है। आप विस्पर करेंगे, हम पहचानेंगे। मैं बात करूंगा और फिर आप लोग जो पहचानेंगे, जो आपको समझ आएगा वो आप आगे बताएंगे और आप उसे आगे बताएंगे। ठीक हो गया? लेकिन हमने हेडफोन्स नहीं उतारने, हेडफोन्स नहीं उतारने, और हमने आपको नहीं देखना और देखना भी नहीं। आपने, आप दोनों ने मुझे नहीं देखना, आपने मुझे देखना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप इनको बताएंगे और ये आपको बताएंगे। अरे समझ गए यासिर, समझाने के बाद तो कोई भी समझ जाएगा। ओके जी, 15 मिनट लग गए मुझे गेम समझाने। म्यूजिक ऑन कीजिए। बिल्कुल ठीक है जी, म्यूजिक ऑन कर दीजिए। आपके लिए है जी, हम पाकिस्तान के कपूर्स हैं, हमें मौका दें। अरे ऐसे बोलो ना, जोर से बोलो, जोर से बोलो। बोलू या विस्पर करूं? बोलो बोलो। हम पाकिस्तान के कबूतर। Does it make sense? हम पाकिस्तान के कबूतर हैं, कभी उड़ नहीं सकते। हम पाकिस्तान के कबूतर हैं, कबूतर हैं, कभी उड़ नहीं सकते, कहीं कभी उड़ नहीं सकते। आगे अब आगे। हम पाकिस्तान, पाकिस्तान के कबूतर, लंगूर। क्या मतलब? कबूतर, 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 कबूतर। हाथ से नहीं बताना। हम पाकिस्तान के कबूतर हैं, हैं, उड़ नहीं सकते। हम पाकिस्तान के कबूतर नहीं हो सकते। हाँ, उड़ नहीं सकते। हम पाकिस्तान के कबूतर कभी उड़ नहीं सकते। हम पाकिस्तान के कबूतर कभी उड़ नहीं सकते। क्या हुआ, उतार दूं? उतार दो सारे। ओह माय गॉड, बहुत लाउड। सही था हम पाकिस्तान, क्या था? अरे काफी काफी अच्छा था। हम पाकिस्तान के कबूतर हैं जो कभी उड़ नहीं सकते। हम पाकिस्तान के कपूर्स हैं, हमें मौका दें। कपूर्स, कबूतर, कबूतर, कबूतर। निदा ने तो एक पॉइंट पर लंगूर भी गेस कर दिया। अच्छा आप लोगों ने हाथ वात नहीं चलाने, ये क्या था? चलो फर्स्ट ट्राई था ना, ये शर्म चीटिंग का है। चलो सही है, अब इसको जरा जरा अपनी फॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं। मैं उधर आऊं? हां ठीक है, ओके। आप मिडिल या तो लंबा नहीं दो ना। अरे अच्छा सही, क्या दे दूं, एक लफ्ज दे दूं? चलो, ओ सनम। एक सेकंड, वापस बोलो। ओ सनम, ओ सनम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, अमेरिका शिफ्ट मत होना। ओ सनम, मोहब्बत की कसम, अमेरिका शिफ्ट मत होना, अपनी लाश पे मत रोना। नहीं वापस बोलो, नहीं नहीं नहीं, सही बोलो। हाँ? नहीं है, नहीं है। अरे एक दो और बोलो। ओ सनम, मोहब्बत की कसम, अमेरिका शिफ्ट मत होना। अपनी के बाद क्या है? शिफ्ट मत होना, अपने घर शिफ्ट मत होना। ओके मुझे समझ आ गया, अमेरिका शिफ्ट मत होना। अरे ये कौन है यार? ओ सनम, ओ सनम, हाथ नहीं चलेगा। ओ सनम, मोहब्बत की कसम, ओ सनम, मोहब्बत, मोहब्बत,
की कसम ओ सनम मोहब्बत की कसम गाना है गाना आगे भी, आगे अच्छा अमेरिका शिफ्ट क्या? नहीं होना अमेरिका अमेरिका शिफ्ट शिफ्ट नहीं होना अमेरिका ओ सनम मोहब्बत की कसम अमेरिका शिफ्ट नहीं होना मोमल ने सुन लिया हटा हटा के ऐसी फ्रॉड नहीं है देख लो यही है ना ओ खो सनम सनम मोहब्बत मोहब्बत की ओ सनम मोहब्बत की असम असलम ओ सनम मोहब्बत की असलम कभी कभी अमेरिका अमेरिका अमीरा 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 सनम सनम मोहब्बत की कसम कभी अमेरिका शिफ्ट नहीं होना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हाँ शिफ्ट नहीं होना शिफ्ट नहीं होना क्या क्या था क्या बोला बताओ था ओ सनम मोहब्बत की कसम कभी अमेरिका शिफ्ट अमेरिका शिफ्ट एक दफा बताऊंगा निदा यासिर असल मॉर्निंग शो क्वीन है निदा यासिर अच्छी मॉर्निंग शो क्वीन है निदा यासिर अच्छी मॉर्निंग शो होस्ट है निदा यासिर अच्छी मॉर्निंग शो होस्ट है निदा यासिर अच्छी मॉर्निंग शो होस्ट है अच्छी मॉर्निंग शो होस्ट है निदा यासिर अच्छी मॉर्निंग शो होस्ट है निदा यासिर अच्छी मॉर्निंग शो गोस्ट है होस्ट है क्या था निदा यासिर असल मॉर्निंग शो क्वीन है इसी तरह की हम और भी बातें करेंगे मेरे पास काफी ज्यादा गॉसिप जमा हो चुकी है रमजान शोज में बड़ा कुछ हुआ है आप लोग प्लीज मेरे साथ रमजान शो में चलो चलो भी चलो बता दूं क्या क्या कुछ हो गया इधर मेरे साथ गॉसिप कर नहीं सकते ना तो अभी तो पेट फूला हुआ होगा अच्छा मुझे बताएं कि गॉसिप का किस किस को शौक है यहाँ पे अगर मैं आपको गॉसिप करना या सुनना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना या आपके पास होती है बहुत हमारा मुझे पता तो मैं दोनों का जी नहीं मोमल भी नहीं गीबत से मैं भागती हूँ गीबत और गॉसिप लेकिन गॉसिप में कर लेती हूँ गॉसिप में कर लेती यही मैंने बात की नहीं गॉसिप में सुन लेती हूँ करती नहीं करती इससे पहले कि हम कोई गॉसिप करें और वो हमारे चौथी मेहमान से मिस हो जाए ये गलत हो जाएगा मेरे ख्याल में उनको उन्हें बुला लेना चाहिए ताकि वो भी इस चीज को एंजॉय कर सकें तो मैं वेलकम करूंगा अपनी आज की चौथी मेहमान को जिनका ना सिर्फ मैं फैन हूँ बल्कि उनके फैन थे इब्ने इंशा प्लीज वेलकम द ब्यूटीफुल मंशा थैंक यू वेरी मच मंशा बहुत बहुत बड़ी गॉसिप मिलने वाली है आई नो यासिर हैज दी बेस्ट है ना और ये हमसे पूछ रहा है मैं तो इसको सारी खबरें पता होती है ना हर चीज असल में पता है और इसकी एक्यूरेसी मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये गॉसिप आखिर ट्रेवल कैसे करती है क्या आप लोगों ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ गॉसिप ये तो आप और मंशा बताएंगे हमें क्योंकि आप दोनों ही सबसे ज्यादा मैंने और मंशा ने एक ड्रामा किया था तो उस हद तक था हमारा सेट पे क्योंकि मंशा को मेकअप आने के लिए मुझे खबर का लालच देना इतनी हदें नहीं क्रॉस की हमने कि मैसेज पे बताओ खबरें हमने नहीं नहीं वैसे कभी किसी का कोई ग्रुप है दोस्तों का जिसमें कोई गपशप होती हो इस तरह की ग्रुप पे कोई भी गॉसिप नहीं करता प्राइवेटली आके बोलते हैं तुम्हें पता है ग्रुप पे नहीं करते नहीं और वैसे भी सामने कैसे व्हाट्सएप पे नहीं होती गॉसिप से जब मिलते हैं किसी दावत आवत में स्पेसिफिकली ग्रुप बनाया जाए अगर बहुत ही एक वो भी नाम है किसी की सेट पे लड़ाई हो गई है वो हाँ मैसेज पे आप बता देते हो कि यार आज पता है सीन क्या होगा लड़ाई हो गई और किसका किससे सीन ऑन है ये सब ये चीजें हाँ ऑलराइट किसका ओके आपको सवाल का जवाब यहाँ आपको सीधा मिल गया स्ट्रेट अप सीधा सीधा प्रचार हुआ है यहाँ प्रैक्टिकल करके मुझे मुझे बताएं कि वैसे आपका इंडस्ट्री में कोई है गॉसिप पार्टनर जिसके साथ मिलके गप लगाने का मजा आता हो गप लगाने का तुम्हारे साथ बहुत मजा आता है गप लगाने का आप जगत एक इस तरह के दोस्त हैं सबके आपके साथ गप लगाने में वाकई मजा अच्छा यासिर का ये कि आप यासिर के साथ बहुत कम अरसा भी मिलोगे ना तो वो आपको कोई ऐसी बात बता देंगे जिससे आप लाइक अगर किसी को नहीं जानते फॉर एग्जांपल जैसे मैं हूँ जिन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना बिल्कुल नहीं है
यासिर का कहीं ना कहीं उनसे कहीं ना कहीं जो है ना टाका हुआ या कोई इनकाउंटर हुआ, और उसमें जो हुआ ना ये तुम लेटेस्ट इनकाउंटर, ये लेटेस्ट अच्छा लिटरली छुपे बता रही 15 मिनट में ना उन्होंने मुझे बता दिया। मैंने कहा अच्छा वहां पे ऐसा होता है ये वो, मैंने कहा अच्छा एकदम मुझे भी मतलब जरा मोहतात रहना पड़ेगा, हमें बता चुका होगा गॉसिप क्वीन एंड किंग आज हमें मिल चुके हैं। नहीं भाई मनीषा तो मुर्दे से खबर निकलवा ले, ये बात मैं मानूंगी कि दूसरे से कैसे निकलवाना है वो हुनर मेरे पास होती नहीं है। अच्छा नहीं नहीं वैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने फिर सबको कॉल करके तुम्हें ये बता दूं कि इन दोनों के पास कोई एक सॉलिड खबर है जो अभी ब्रेक पे बात हो रही थी, जो इसको पता है जो मंशा को पहले से ही पता होगी, वो मल वही तो बोल रही है वो मुझे पहले से। अच्छा आप तो अब अमेरिका चली गई, आपका है कोई गॉसिप पार्टनर यहाँ पे, इतनी दूर नुमाइंदा दिन यहाँ रात यहाँ रात वाला दिन, कोई नुमाइंदा इतना वेट नहीं करेगा कि मुझे सुनाने के लिए कोई नुमाइंदा रात को जाग के सनम को बता, सफाइयों से जरा फारिग हूं तो मैं गॉसिप सुनूं पर बिल्कुल टाइम नहीं है। आप भी बता दें कि आपका कौन है गॉसिप पार्टनर इंडस्ट्री में, मेरा नाम नहीं लेना, नहीं 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 कोई और है मुझे पता है जो है उसका बताएं आप। यासिर के अलावा मैं बताऊं ना, मैं आपने जो ये बात की ना कि किसी दूसरे से कोई चीज निकलवाना, तो हर कोई हर बंदे के साथ कोई ना कोई चीज तो इनकाउंटर होती है, किसी का किसी से सेट पे झगड़ा होगा, उन दोनों में से कोई एक तो मेरा दोस्त होगा या मेरी ऐसी बातचीत होगी, और वो खबर जो है ना कि मैं उनसे मिलूंगी और वो ऐसे ही वक्त पे मिलूंगी जब वो अपसेट होंगे, मैं कहूंगी क्या हुआ सर ठीक है, और उनको भी पता है कि ये बात जो है ना ऐसे नहीं होगा कि हर जगह फैलेगी, आई डोंट आई हियर इट बट इट्स नॉट आई एम गोना टेल पीपल, सो दे नो दैट अबाउट मी, इतना अंदाजा हो जाता है तो बता देता है मुझे। ओके हरीम, हरीम और नीना, अब मुझे याद आया कि आई मीन नीना काशिफ और हरीम फारूक, जब जब हम जब कभी मिलते हैं ऐसे नहीं स्पेसिफिकली तो बहुत मजा आता है, उनके पास खबरें उनके पास होती हैं, हरीम के पास बड़ी खबरें होती हैं, इन दोनों से मिलना पड़ेगा, आई थिंक यासिर भाई के पास भी होती हैं, ये ऐसे शातिर लोग हैं हमें इनका पता ही नहीं है, यासिर भाई से काफी खबरें सुनी और यासिर नवाज की बात करी, हां यासिर भाई नहीं दूसरे यासिर, दोनों यासिर ऐसे हैं वैसे, मैं किसी की बात नहीं करना चाहूंगा, हम एक गेम की तरफ चलते हैं, बहुत मजेदार गेम है वो गेम खेलते हैं पहले। अच्छा इस गेम में क्या करना है हमें, इस गेम का नाम है गेस द सॉन्ग, जिससे पूछा जाएगा सिर्फ वही जवाब देगा। ठीक है डार्लिंग, सबसे पहले मैं निदा से पूछूंगा, ठीक है निदा आपने बताना कौन सा सॉन्ग है। एक लड़की की रेटिना के बारे में डिस्कशन है और ब्लेम किया जा रहा है कि वो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है, आंखों आंखों का जाता है, हां जाहिर है और रेटिना का माथे पर, हां वही कह रही हूं ना, और अपने लव इंटरेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी ब्यूटी को डिस्क्राइब करने का काम जो है वो एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा, अपनी अपनी लवर, लवर जो लव इंटरेस्ट है उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करना एक मिशन इम्पॉसिबल की तरह। मुझे शायद आता है, सिंगर का नाम तो बता देना आपने, सिंगर का नाम बताए, सिंगर का नाम बताए, अभी तो यार आखिरी 5 सेकंड रह गए हैं, ये वो अभी का गाना है पुराना गाना है, पुराना पुराना गाना है, दो सिंगर्स ने गाया हुआ है और वो सिंगर्स आपस में रिश्तेदार है, अच्छा अच्छा आखिरी आखिरी तो नहीं है एक रोमांटिक रिलेशनशिप की स्टोरी है जो ओरली सुनाई जाए, सुनाने की रिक्वेस्ट की जा रही है, कहानी सुनो, भी नहीं लगी है तो परेशान हो रहे हैं, पढ़ लिए नहीं यार प्रॉमिस में इतना खेल रहे तो मुश्किल था, ये पता था कि ये गुनगुनाते हैं हल्का सा अगर आता है तो, मैं सुना दिया बस आता नहीं है वैसे, गाती नहीं है खुद। अच्छा मंशा बताएं वो नया सुपरहिट गाना जिसमें एक इंसान जिस्म के इम्पोर्टेंट हिस्से को महबूब के पाँव में रखने की ऑफर किए जा रहा है, दिल को ही रखा, दिल कदमों पे के नीचे रख दें, कदमों के नीचे नया गाना
रियली बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है अभी हम टीवी पे। ओहो इससे बड़ा अहमद जानजेब का क्या प्यार अमर समथिंग है ना कुछ ऐसा क्या है तेरा मेरा हाँ बस इतना ही। तू चाहे तो कदमों में सर रख लूँ। हाँ सर रख लूँ तो सारे काफी इम्पोर्टेंट मुझे भी मिल आ गया था वैसे कदमों में रखने मुझे हिंट्स दी थी बाकी सबको हिंट्स दिए हम। मंशा ये अभी इतनी एक्साइटिंग गेम्स नहीं हुई हैं आपके आने का इंतजार हो रहा था आप आई हैं तो और ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स होंगी। प्राइजेस तो बहुत ही जबरदस्त हैं बल्कि मैं आपको ही बताऊंगा कि ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह एक गिफ्ट हैम्पर के पीछे दो बहनें लड़ती हैं। तो जल्दी से ब्रेक पे जाइए और वापस आइए देखते रहिए हमारा हम ईद शो विद यासर हुसैन। वेलकम बैक टू हम ईद शो विद यासर हुसैन। मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और हम आ गए अपनी उस गेम की तरफ जो मेरी बड़ी पर्सनल फेवरेट गेम है। मेरी भी हमारी भी आपकी भी आपकी भी आपकी पैसा 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 हाथ नहीं लगाना पैसे को सॉरी। अच्छा तो ये गेम जो है इसके बड़े सादा किस्म के रूल्स हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है पैसे से आप सब लोग ही वाकिफ हैं बहुत बहुत अच्छे से ठीक है। तो ये एक एक गड्डी मैं आप लोगों की नजर करूंगा इसको अपने पास रख लीजिए। ओके इस गेम में करना ये है कि मैं आपको 5 सेकंड का टाइम काउंट करने हमने नहीं कुछ नहीं करना शुक्र 5 सेकंड का टाइम दूंगा ठीक है। और आपको पता है ये गेम के जो राइट्स हैं हाँ। ये हमने तकरीबन 14.25 करोड़ रुपए में हमने ये लिए हैं इस गेम के राइट्स। अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा भाई अब इसका गेम का सीधा सा रूल है कि दिमाग चलाओ और पैसे बचाओ। Okay. आप लोगों के पास ये सारे पैसे हैं अगर हाँ. आप लोग 5 सेकंड में जो मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल का जवाब आपने 5 सेकंड में देना है। अगर आपने 5 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो आपके पैसों में से कुछ पैसे मैं ले लूंगा ठीक है ठीक है। तो आपने दिमाग चलाना है और पैसे बचाना है। okay, okay. सबसे ज्यादा बचाएगा वो जीत जाएगा। जो सबसे ज्यादा पैसे बचाएगा उसको मिलेगा क्या मिलेगा नजर नहीं आया नजर नहीं आया। अभी मैंने सिर्फ ये नोट रखे हैं तो आप लोगों की ऐसी लालें वग रही हैं अगर मैं गिफ्ट टेम्पर लड़की तो बेहोश हो जाती इसलिए मैंने गिफ्ट टेम्पर पीछे छुपा के रखा। इनसे शुरू कर रहे हैं मैं शुरू करूंगा ये गेम मंशा से चले जी शुरू का। अच्छा आप लोगों ने एक तो बीच में नहीं बोलना करना। बिल्कुल हेल्प नहीं करना और चुप रहना है और ओवरलैपिंग नहीं करनी उधर चली जाओ सॉरी ओवरलैपिंग नहीं करनी भाई ठीक है। और मुझे पता होगा यही जो चीजें मना कर चले भाई शुरू करते हैं ये गेम। निदा पहला सवाल आपसे है 5 सेकंड आपके पास है कोई 3 चीजों के नाम बताएं जिनकी 3 टांगे होती हैं। ये कैमरा का आईपॉड और टेबल ट्रैकपॉड ओके। अच्छा कोई 3 काम जिनसे हार्ट बीट तेज हो जाती है जब कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा हो जब पैसे बहुत खर्च हो रहे हो और जब फ्लाइट बहुत टर्बुलेंस वाली हो रही हो। बिल्कुल बिल्कुल तीनों बता दिए लास्ट मोमेंट आपने बताया टर्बुलेंस आखिरी जुमला रह गया था। चले निदा आपसे ही सारे सवाल चल रहे हैं एक साथ। अच्छा ठीक है ठीक हो गया जी। चले कोई 3 पाकिस्तानी गाने जिनमें दिल का जिक्र होता है दिल दिल पाकिस्तान सोनी धरती दिल हमारा ये क्या था वो दिल लगा ली दिल दिल पाकिस्तान सोनी धरती दिल हमारा वो राइटर अभी सुन रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा ये सुनना है इन्होंने गाना मेरा ठीक है। अगला कोई 3 चीजें जो हर बीवी शौहर से मांगती है पैसे चाबियां गाड़ी की चाबियां फोन वगैरह वगैरह हो गया ठीक है वैसे ये वाली चीजें पूछा। अच्छा कोई 3 लव्स हाँ। कोई 3 लव्स जो मोहब्बत के इजहार के लिए होते हैं कोई 3 लव्स दिल आंखें जिगर यही होता है गानों में कि सारे गानों में यही होता है दिल जिगर ठीक है दिल जानू जिगर यहाँ पे यही लिखा हुआ था ठीक भाई जो प्यार लगा आई लव यू जिगर मैंने भी यही सोचा जिगर तो ठीक है आंखें कहाँ से मेरी आंखें मेरी ठंडक नहीं जिगर ठीक है आंखें का क्या मतलब तो मेरी आंखें मेरी आंखें अरे आंखें इधर आना ये गलत हुआ है मेरी आंखें आने के लिए आंखें नहीं था मुझे लगा इश्क होगा इश्क मोहब्बत मोहब्बत और समथिंग लगा है आंखें जाने जहां जान जान जानू जिगर आंखें जिगर तक से ठीक मेरी आंखें हो। अच्छा जी कोई 3 जानवर जिन पे आपको प्यार आता है बिल्ली खरगोश और चिड़िया ओके हाय वैसे चिड़िया परिंदा लेकिन हम उसे जानवर कंसीडर कर लेते हैं
थोड़ी देर के लिए, तो निदा से यही पैसे जमा हो पाए। ओके, ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ हमें। मंशा की बारी आ गई है। ठीक है, ठीक है जी मंशा, अब आपसे सवाल होंगे। ओके, कोई तीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बहुत महंगे होते हैं। ब्लशन, ब्लो ड्रायर का हेयर ड्रायर और मस्कारा। गुड, अच्छा आप लोगों को देख के लग नहीं रहा कि प्रोडक्ट महंगे हुए हैं। हुए तो हाँ। अच्छा, कोई तीन चीजें जिनको बजाया जा सकता है। डंडा, ड्रम और मियां के साथ। डंडा कैसे बजाएंगे? डंडा किसी के साथ बजाते हैं? ठीक है, डंडा सर का सर जवाबी पे आप उसको दे, आप पैसे दे, जिब्रान चाहती है यही है। ठीक हो गया, सर बजाना। तीन ऐसे काम जिनसे सेहत अच्छी रहती है। अच्छा खाना, अच्छा पीना और अच्छे दोस्तों के साथ वक्त गुजारना। कोई तीन चीजें जो अक्सर मर्द शौक से खाते हैं। पकौड़े, समोसे और दही बड़े। पकोड़े, समोसे और दही बड़े, सारी चेहरे तीनों चीज। अच्छा जलेबी, मेरे मियाँ को तो तीनों चीजें पसंद है। नोबडी कैन से नो टू दिस, नोबडी कैन से, कह नहीं सकता इस बात। आई टोटली एग्री। कोई तीन रीसेंट पाकिस्तानी फिल्मों के नाम। जाने जहां, मेरी लाल कबूतर और आपकी कौन सी फिल्म थी, इकबाल 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 जावेद। जाने जहाँ कौन सी फिल्म है? जाने जहाँ कहाँ जा रहा है? जाने जहाँ नहीं, नहीं जाने जहाँ ही नहीं, कोई नहीं। हम तो बेवकूफ बन गए थे खड़े खड़े, थोड़ा ज्यादा हो गया। और इसे जावेद इकबाल भी मैंने पूरा नहीं बोला था, लगा हम इतना इंप्रेस। वाला जाट बगाबाज दिल। हां आई एग्री, आई एग्री। ताली गेट मेरी है। हां टेक ताली। अच्छा जी, कोई तीन काम जिनमें जबान इस्तेमाल होती है। बोलते हुए, खाते हुए और गालियां देते हुए। अल्लाह, तो गालियां और बोलते हुए सेम आएगा ना, वो एक हो जाएगा। चलो बोलते हुए, खाते हुए और पियर्सिंग कराते हुए। 5 सेकंड हो गए। नहीं मैंने बोल तो दिया था, आप ही फैसला करें यार। सही था, नहीं मैं फैसला करूंगा। बोलना हो गाली देना अलग बात नहीं। वेरी गुड मंशा। और वो जो बजाई जा रही कब से, ये भी तो एक गाली होती है ना, इसको तो जबान। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट हम खेलेंगे ये मोमल के साथ। काफी पैसे बचा लिए उन्होंने वैसे। एक रुपया नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, एक एक का एक लिया, आधी गड्डी चली गई। मोमल, मोमल आपसे आपसे सवाल है, अपने हस्बैंड की तारीफ में तीन लफ्ज कहें। ऑनेस्ट, रिस्पेक्ट देता है और बहुत ही खूबसूरत है। नाइस, हमसे क्यों नहीं पूछे इतने आसान सवाल। मैं तो 10 बोल देती। इस सवाल में तो आपने लाजमी फंस जाना। कोई तीन ऐसे काम जिसमें ज़हनी सुकून मिलता है। सोने से ज़हनी सुकून मिलता है, मसाज कराने से ज़हनी सुकून मिलता है और बच्चों के साथ टाइम गुजारने में ज़हनी सुकून मिलता है। कोई तीन ऐसे मुल्क जो एशिया में है। मुल्क जो एशिया में है, हो गया पूरा। मुल्क जो एशिया में, पाकिस्तान, दुबई। यार मोमेंट क्या हो गया? दुबई इज नॉट अ मुल्क। दुबई इज नॉट अ मुल्क, नॉट यू, आई डिड इट टू मायसेल्फ। थोड़ा और लो ना जो पिछला गलत था। अच्छा जी, परेशान हो, कोई परेशान हो गए। चाइना, कोई तीन ऐसी चीजें जो जिल्द को नरम करती हैं। अंडा, दही और ब्यूटीफुल क्रीम्स, नरिशिंग क्रीम्स, शिशिरो की क्रीम, शिशिरो की क्रीम, गुड क्रीम, वेरी स्पेसिफिक, वेरी वेरी ब्रांडिंग भी हो गई। शिशिरो की, शिशिरो की ब्रांडिंग, कोरियन ब्रांड है। शिशिरो इज, या आई थिंक इट इज कोरियन। अच्छा, कोई तीन मर्दाना, मेरे हाथ पांव भी हो रहे हैं। कोई तीन मर्दाना जूतों की इकसाम। क्या क्या तीन मर्दाना जूतों की इकसाम? उससे भेड़िया और मैन शूज। अरे शेखों से पैसों वाली गेम खेल ली वो बेचारी। दो सवाल सिर्फ ऐसे थे जो कोई तमीज के थे, एक शायरों वाला और एक एशिया के मुल्कों वाला। दोनों भी लड़की ऐसे हो गई, ऐसे ज़ॉम्बी बन गई। यकीन नहीं आ रहा था ना ऐसे सवाल आएंगे। चले जी बिस्मिल्लाह। सनम, कोई तीन मुल्क जिसमें हम अवार्ड्स होस्ट किए आपने। कनाडा, दुबई, पाकिस्तान। दुबई इज नॉट अ मुल्क। हां बट ठीक है ना, सही है ना, अमेरिका बोल दिया। अमेरिका बोल दिया ना मैंने, मंशा। सुनो, कोई तीन ऐसी चीजें बताएं जो नोकीली होती हैं। कील, कैंची, छुरी। और मेरे जाने दोस्त ने यहाँ पे समोसा भी लिखा हुआ। समोसा नोकी। और यासर हुसैन की ज़बान। हाँ, गुड गुड। नोकीली नहीं हो सकती है। अच्छा जी,
कोई तीन ऐसी चीजें जो बहुत सॉफ्ट होती हैं। तकिया, रुई, ब्लैंकेट। तो सभी आंसर जवाब है दादा के अलावा। जो अब बेटा जो पहला शुरू करता है ना उसके साथ ऐसे ही सही हो, उस वक्त समझ ही नहीं आया था कि गेम होता कैसे। कोई तीन ऐसी जगहें जहां आप सर रख सकते हैं। अम्मी की गोद, बिस्तर, तकिया। जमीन पे भी रख सकते हैं। अम्मी की गोद क्या कहते हो? सबके दे दो। ठीक हो गया। कोई तीन ऐसी चीजें जिनकी तासीर गर्म होती है। वो जो जड़ी बूटियां होती हैं उनकी तासीर गर्म होती है। तीनों जड़ी बूटियों की तासीर गर्म होती है। आमला, रीटा, शिकाकाई, तीनों की तासीर ऐसे होती है क्या उनकी तासीर? जनरली लौंग की, दालचीनी की, ये सारी होती है। आम की तासीर गर्म होती है। आम की तासीर गर्म, अंडे की भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बोला कर दिया कि 10 फलों के नाम बताओ तो कहता है केला और 9 माल्टे। वो वाला किया। चलो कोई नहीं। कोई तीन शहर जिनमें लेटर के आता है। कराची और हार्ट। कराची कोहाट। कोहाट क्या है? एक रुपया नहीं दिया है। तुम तो खैर तुमने तो बहुत चीटिंग किया। बोला ना और कनकोट भी बोला। बजर के बाद बोला। कनकोट किधर? बजर के बाद। कनकोट बोला लेकिन बजर तब के बाद। ऐसे तो किसी को हैम्पर मिलेगा यार। ये लड़कियां अपनी मजबूरियां बताएंगी तो गेम कैसे होगी फिर आगे? ये क्या? मुझे भी ले लो। ये क्या है यार? तुम मुझे भी ले लो। हाँ ले लो। ठीक है यार। थोड़े तो और दो। थोड़े तो और दो। दो, 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 दो नोट करके दे। हाँ। तो ये मेरी होगी औकात। क्या कमेटी डालेंगे आप? क्या करेंगे? हटो। क्या सब गेम हो गया? पांच जीत पहले तो सही थे। तो मैं अंदाजा लगा के बताऊंगा। मेरे ख्याल में मंशा का कोई भी जवाब गलत नहीं। हां कैसे मैं तो हार गई हूं। आप तो हार गई। एक से बदतमीजी नहीं करो। ये देखो लाल उड़ गया। नहीं ये तो अच्छा बदतमीजी। आप तो हार गई। हां देखिए कमेटी डाली मोमल। ये लो। कोई जिंदगी में मोमल से कमेटी डाले? पहली कमेटी मोमल। क्या बात करी? मोमल वो लड़की बाद में कमेटी नहीं दे। ये लो, ये लो। कमेटी वालियों को हार्ट अटैक करा देती है ऐसी। और कौन जीता है? जीत गई मैं। जीती हूँ देखो। मोमल पहुंच जाती पागल होने वाले। कौन जीता है? कितना मजा आ रहा है आप लोगों को भी। इतना ही मजा आ रहा। ऐसे करो नोटों की बहार। ऐसे मजा बड़ा आता है लेकिन करना नहीं। करना नहीं। ब्रेक जमा करना। जमा करना। चलो चलो नहीं ब्रेक में नहीं। अभी हम लोग प्लीज प्लीज आप लोग मेरे साथ वहाँ आइए। यहाँ मेरा हैम्पर टेबल पे खड़े रहेंगे हम। प्लीज आप मंशा को गिफ्ट हैम्पर तो दे दे जो आपने प्रॉमिस भी किया। मेरे साथ शेयर भी करेंगे। अरे घर पे बहुत मेहमान आते हैं। क्या माहौल बना पड़ा है। नाइस। लेकिन हमारा क्या माहौल है? अच्छा जी मेरे पास एक बहुत ही एक्साइटिंग पैकेज है। आज एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है दगाबाज दिल, जिसमें बहुत बड़े बड़े हमारे मुल्क के स्टार्स हैं, हमारे दोस्त हैं, महविश हयात हैं, इसमें अली रहमान हैं, मोमिन साकिब हैं, बाबर अली हैं, सलीम शेख हैं। ये सारे बड़े स्टार्स तो इसमें हैं ही, साथ साथ ये हम फिल्म लेकर आई है और एसोसिएशन की है साथ में वजात रऊफ, शाजिया वजात ने, शोकेस फिल्म्स ने, सारे हमारे दोस्त हैं। हम ये जरूर देखेंगे लेकिन उससे पहले देखते हैं हम ये छोटा सा पैकेज। शादी और मेरी और मुझे ही नहीं पता यार मैंने शादी नहीं करी। तो हाँ क्योंकि दादू को मना नहीं कर सकते। रोमांस, कॉमेडी और इमोशंस से भरपूर फिल्म दगाबाज दिल सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। कराची में फिल्म का प्रीमियर मुनक्किद हुआ। रेड कारपेट पर फिल्म की कास्ट समेत शोबिज सितारों ने जलवे बिखेरे। कहा फिल्म जरूर देखने आए, पैसे वसूल हो जाएंगे। बस ये कहना है कि दगाबाज दिल रिलीज हो चुकी है। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद का तोहफा है हमारा दगाबाज दिल। सिनेमा घरों में जाकर जरूर देखें, फुल एंजॉय करें, पैसा वसूल, दो घंटे की एंटरटेनमेंट, डोंट मिस इट। बिल्कुल यकीन है कि लोग घरों से निकलेंगे और घरों से निकले ईद का दिन है, घरों से कैसे नहीं निकल सकते। और तफरी करने के लिए जब निकलेंगे तो वो ऑफकोर्स सिनेमा घर भी जाएंगे, हमारी फिल्म भी देखेंगे और वर्ड ऑफ माउथ से अपने दोस्तों को भी बताएंगे, अपनी फैमिली को भी बताएंगे। ये प्लस पॉइंट है कि ईद की एक फिल्म है तो फिल्म को चलना चाहिए और लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। एंटरटेनिंग फिल्म है और इंशाल्लाह लोग एंजॉय करेंगे। अच्छी फिल्म है और हमें सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानी सिनेमा को। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म की रिलीज को लेकर पुरजोश दिखाई दी। नन्हे अदाकारों ने भी शायकीन को फिल्म देखने की दावत दी। मेरा रोल सोनी है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता कि घर में क्या चल रहा है, तो वो क्वेश्चंस पूछती रहती है बार बार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और वजाहत अंकल भी बहुत अच्छे
रहता है। अच्छा लगा कि करने में, और बस व्यूअर्स का भी सपोर्ट चाहिए कि ये लोग हमें दगाबाज दिल के अंदर थोड़ा दें। मैं सोना हूँ, मतलब कि बहुत शार्प बच्चा जो हर बात में इंटरफेयर करता है। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ, बिकॉज मेरी फर्स्ट अपीयरेंस है ऑन द बिग स्क्रीन। सो या गुड लक टू द टीम एंड गुड लक टू मी। ये तो लगा ही नहीं, स्पेशली जब हम वो ठुमका वाला सॉन्ग शूट कर रहे थे तो मैंने जाते जाते उनको कमेंट भी किया था कि हमें लगा ही नहीं कि हमने काम किया, हम तो बस यहाँ पे मस्ती करने आए थे और मस्ती करके जा रहे हैं। फिल्म की कास्ट को सपोर्ट करने आए फनकारों ने शायकीन को ईद की मुबारकबाद दी, साथ ही फलस्तीन के मुसलमानों को याद रखने का पैगाम दिया। यार ईद के मौके पे बस थोड़ा काम डाउन रहें, इन्जॉय करें, खुद भी दूसरों को भी करने दें। ईद मनाएं और ज़ाहिर खुशी का त्यौहार है, रोज़े रखने के बाद ये बहुत एक तोहफा है हमारे लिए। ज़रूर देखिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, हमसायों के साथ, और कोशिश करें जिनके साथ दुश्मनी है उनसे भी सुलह कर लें और उन्हें भी ले आए। हम टीवी की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सलीम मामू के लिए हम आए, वजाहत के लिए हम आए, महविश के लिए हम आए, एंड एवरीवन वी आर ऑल फैमिली, सो इट्स सच अ गुड मोमेंट टू शेयर दिस ईद विद द फिल्म। हम फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली ड्रामा कॉमेडी फिल्म में वेडिंग सॉन्ग का तड़का भी मौजूद है। ओ गोरी तेरा झुमका लगा दे जरा ठुमका है ज़ालिमाना तेरी हर एक अदा। स्टार कास्ट बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कामयाबी के लिए पूरी उम्मीद है। कैमरामैन आमिर जमील के साथ सिप्ते हसन, हम न्यूज कराची। बहुत ही मज़ेदार लग रही है ये फिल्म, आप लोगों को भी उम्मीद है कि अच्छी लग रही होगी। हम तो अब जाके देखेंगे इसको, आप लोग भी ज़रूर देखिए, और बहुत बहुत मुबारक हो और बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम के लिए। अभी हमारे पास ऑल्पस में बनी हुई ये रसमलाई मौजूद है, और ऑल्पस में जब रसमलाई बनती है तो उसमें अच्छी बात ये होती है कि ऑल्पस में कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, और 28 टेस्ट्स क्लियर करने के बाद ये दूध हम तक पहुँचता है। तो हम जब तक ये रसमलाई इन्जॉय करते हैं, आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। Welcome back to Walls Presents the Hum Eid Show with Yasir Hussain, powered by Allpurs and Lux. हमारे साथ ये खूबसूरत खवातीन मौजूद हैं और शो रवान दवा है, और आप लोग बहुत लकी हैं कि इस शो में आने का आपको मौका मिला, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मौका मिला। That's right. इतने बड़े बड़े अमेरिका रिटर्न लोगों जो हमें छोड़ के जा चुके हैं बहुत अरसे से। दिलों में मोहब्बत दिल में होती है। नहीं, मोहब्बत तो वाकई दिल में होती है, और मुझे यकीन है कि आप बहुत ज्यादा मिस भी करती होंगी पाकिस्तान। डेफिनेटली। अच्छा, ये जो गेम है ये हम सब से एक एक करके खेलेंगे, ठीक है? और जिसने ये गेम खेलनी है उसको अकल के चश्मे भी लगाने होंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले हम ये गेम खेलेंगे सनम के साथ, तो सनम आप अपनी अकल की ऐनक लगा ली। क्या जरूरत थी मुझसे स्टार्ट करने की ये? चलो बहनों, बहनगिरी का टाइम आया। वाह भाई वाह, वाह वाह, बहुत अच्छी लग रही है सनम। आपको हमारी स्क्रीन पे सनम व्हाइट व्हाइट मैच, मैं कुछ भी दिमाग फनी लग रहा है। No, you're looking cute. So funny. अंदर बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीन पे देख ही नहीं रहा। स्क्रीन पे आपके सामने आ गई एक प्रोडक्ट, आप बताइए कि रोलिंग पिन। हाँ, रोलिंग पिन। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट पे आए जी, ये एग प्लांट। गलत, ये मीठा होता है। फिग 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 फिग, जवाब दुरुस्त हुआ। नेक्स्ट पे आइए जी, ये क्या है? मैं वैसे भी जिसे कुप्पी कहते हैं ना, कुप्पी, मुझे वैसे ही नहीं पता है क्या है। अरे जिससे ऑयल डालते हैं यार, पानी डालते हैं, ऑयल डालते हैं बोतल में, पनल कहते हैं इसे। सही जवाब, लेकिन आपका जवाब था, आपने गलत जवाब दिया, और सही जवाब दे दिया अनिता यासर। जवाब ही नहीं दिया, गलत हो नहीं सकता। ये आई है अमेरिका से, देखा आपने। अरे यार ये क्या बात हुई है। और अब हम चलते हैं मोमल शेख की तरफ। मोमल निकाल लीजिए अपनी अकल की ऐनक। अकल की ऐनक तो निकाल लूंगी, लेकिन इसमें कोई अकल की बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं सब मुझे आता। चलो चलो दिखा भाई। हम चले जी मोमल, मोमल शेख के लिए स्क्रीन ऑन कीजिए। मोमल अपने अकल की ऐनक लगा लीजिए। स्किपिंग रोप। या दिस इज नॉट फेयर। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट। बहुत आसान था, इतना देर से क्यों बोला। बिल्कुल सही। नेक्स्ट नेक्स्ट यार, ये लव, हाँ ये नहीं मुझे बोला जाता। निदा आप क्यों बता रही हैं? स्टेथोस्कोप से अपना नहीं पता चलता, दूसरों का पता चल जाता है। स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। चले नेक्स्ट दिखाएं। अगला। ये क्या है? ये क्या है? ओ, सबने खेला है बचपन में इससे। अकल की आनक उतार दिया, कैसे आएगा? बबल मिक्सचर कहते हैं। बबल ब्लोअर। हाँ, बबल ब्लोअर। ठीक काम कर रहे हैं। यही होता है। तो मोमल ने कितने कितने सही बताए? सारे। 37 37 कैसे कोप के अलावा।
स्टेथोस्कोप भी बता दिया था। हाँ बता दिया था, आई थिंक स्टेथोस्कोप स्टेटिस नहीं है ना, टीएच बीच में टीएच आता है आई थिंक। खैर ये अपना जो है ना ये ट्यूशन सेंटर मोमल मंशा बाद में। तुम एक सीन बोल के दिखाओ, एक सीन यहाँ से स्टेथोस्कोप बोलो अब मेरा खराब स्टेथोस्कोप बच्चों को सिखाते सिखाते वो बुक आ जाए ना, मैं तो स्किप कर देती हूँ। I don't even know how to pronounce it. I don't even know how to pronounce it. This is a meat mixer. Meat mixer? मीट चॉपर मीट मिक्सर जिसमें सॉसेजेस बनते हैं ना, सो मीट ग्राइंडर, मीट ग्राइंडर मशीन। हाँ जी ठीक है, नेक्स्ट this is what is that? Is that a head scarf? Yeah, sar pe pehante, it is a head scarf or it is a head turban, one of those. Head scarf or head turban? नहीं पूछने की ज़रूरत नहीं आपको। हाँ क्या बोलते हैं? Head turban है, head scarf है। Good good head turban। चलें जी next। This is an egg beater. बीटर बहुत ही आसान मंशा के लिए आए मुझे लग रहा है। नजर ही कमजोर है, मैं कैसे शोहर ने बनाया इनके लिए प्रोग्राम। लगनी चश्मा भी लगा लाइक आसान। अच्छा जी निदा 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 के लिए स्क्रीन पर चीजें दिखाई। अच्छा आपका तो ऐसा खुलता भी है। हाँ ना इसलिए तो क्योंकि मेरी नजर बहुत कमजोर है तो मैं खोल के करूँ। ओह क्यूट डी, हम तो उसको डी कहते थे जब हम पढ़ते थे मैथ में। डी कहते हैं, डी डी कहते हैं इसको। सही जवाब ज्योमेट्री में यूज होता है और ज्योमेट्री बॉक्स में भी होता है। डी है, आई थिंक डी ही कहते हैं। और इसका क्या एफ तो कह नहीं सकते। स्केल डी स्केल होता है। चले निदा के लिए, ऐसे यहाँ निदा के लिए नेक्स्ट क्या है? ये है अल्लाह समोसों को तो नहीं, फ्रिटर्स कह सकते हैं। फ्रिटर्स नहीं पता नहीं, समोसे को समोसा ही कहते हैं आप ना। समोसे को समोसों की अंग्रेजी तो कभी ट्विस्ट डाल दिया उन्होंने, ट्विस्ट रमजान की मुनासिबत से। चलें नेक्स्ट। ये वो है ट्रैफिक, उसको क्या मुझे पता है यार। आई नो आप जवाब हार जाएंगे। एक मिनट कौन तो मुझे पता है लेकिन डी कौन, डी कौन, हाँ हाँ डी कौन, डी कौन, डी डी डी, ये भी डी है। कौन मतलब ईद के वक्त ट्रैफिक कौन होती है ये? और अब हम विनर अनाउंस करेंगे इस गेम का। थैंक यू सो मच। प्लीज आप बैठ जाइए, आपके कपड़े ना खराब हो जाएं। हम बहुत सारी तालियां बजाएंगे मंशा पाशा के लिए। एक्चुअली मैं अपने फ्री टाइम में यही करती हूँ। माशाल्लाह जी आप लोगों के अपने अपने ब्रांड्स हैं, मैं देखता रहता हूँ अक्सर कुछ ना कुछ आप लोग बेच रहे होते हैं। मेरे पास कोई ब्रांड नहीं था तो मैंने एक अच्छा सा ब्रांड बनाया है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। मैंने ऐसी प्रोडक्ट आज तक नहीं देखी, बल्कि जो भी बन के आई मैंने ये वाली भी नहीं देखी। तो कोशिश मेरी ये है कि जितना ज़्यादा इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से इंडोर्स करें उतनी ज़्यादा ये बिकेगी और ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाएंगी हमारे घर में भी। तो सबसे पहले निदा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप आइए और ये जो ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इसका नाम है ज़ेरॉक्स आइकॉन पम्पे। इंडोर्स करना है, आपका टाइम शुरू होता है अब। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ईद का ही दिन था, शीर खोरमा टेबल पे रखा हुआ था और उस पे मच्छर मक्खी आके बैठ गए। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं अपना मुंह छुपा के बाथरूम चली गई और वहाँ मैंने क्या नाम था इसका, ज़ेरॉक्स आइकॉनिक पम्पे, आइकॉनिक पम्पे नजर आया। मैंने जल्दी से इस ज़ेरॉक्स आइकॉनिक पम्पे को लिया और शीर खोरमे के करीब हर जगह जाके ये कर दिया और उसके बाद वही शीर खोरमा रखा रहा। रात तक मेहमान आते रहे जाते रहे मगर मच्छर नहीं आया। थैंक यू ज़ेरॉक्स, थैंक यू, बहुत आला, थैंक यू, थैंक यू। ये कम से कम 2500-3000 की सेल आपने की। आइए प्लीज आइए, 2500-3000 प्रोडक्ट्स की, ये नहीं कि 2500-3000 रुपए की। मंशा अगर आप रेडी हैं तो प्लीज आप आ जाइए। मैं उठ गई पर मैं रेडी नहीं हूँ, मैं सोच ही रही हूँ। कोई बात नहीं, सोच लें आप लोग इतनी देर सोच लें जी। मंशा ज़ेरॉक्स आइकॉनिक पम्पे, इतने रिश्ते आए मेरे लेकिन सारे रिजेक्ट हो गए, अब क्या करूँ? चाय तो बहुत अच्छी थी और लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद भी कर रहे थे लेकिन बात ही ना हो सकी क्योंकि बीच में आए ये सारे मच्छर। बार बार जैसे ही वो कुछ कहें तो बीच में मच्छर आ जाए, जैसे ही मैं कुछ कहूँ तो एक मच्छर तो मेरे मुंह में चला गया। मैंने कहा बस अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी जब तक ज़ेरॉक्स आइकॉनिक पम्पे मेरे घर में नहीं आएगा। और फिर
जैसे ही आया जीरोक्स आइकॉनिक पंप पे तो मुझे मिल गया मेरा जीवन साथी और मेरा हमसफर। थैंक यू जीरोक्स आइकॉनिक पंप। बहुत आला। मुझे लग रहा है मंशा ये भी जीत जाए। अच्छा पूरा शो लो, शो ले। प्लीज सनम आप प्लीज आइए, मुझे बताएं आपने सोच लिया है। नहीं मैंने नहीं सोचा है, वहाँ जाता उदम सोचा है। मैंने भी वहीं जाके सोचा है। और क्या बचा है। जी जी सनम। ओके, आठ महीने में तमाम मुल्क ढूंढ कर आई हूँ एक ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आई हूँ जिसको कहते हैं जीरोक्स आइकॉनिक पंपिंग। आइकॉनिक पंपिंग, जी हाँ मैं जानती हूँ मच्छर मक्खियाँ क्या नहीं होती और आपको डिस्टर्ब करती है, मैं ये आपको जरूर बताऊंगी। अगर आप अपने घर में इसको पंप करते रहेंगे हाथ जरूर दर्द करेंगे लेकिन मक्खियाँ मच्छर कभी नहीं आएंगे क्योंकि बाहर की टेक्नोलॉजी है, बाहर की। थैंक यू, साथ साथ आपने बाहर को भी बेच दिया। ओमल, स्टार्स के परिवार में से हैं आप तो उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उससे मिलता जुलता होना चाहिए। जी मोमल। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज मोमल शेख और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नया प्रोडक्ट जो यासर हुसैन ने आज ही इसी वक्त इंट्रोड्यूस किया है मेरे हाथों और जितने भी बाकी आएंगे मेरे बाद ही आएंगे। इस प्रोडक्ट का नाम है ज़ेरॉक्स आइकॉनिक पंपिंग। अच्छा आपकी खास बात बताऊं कि हमारी फैमिली को तो आप जानते ही हैं कि वो पाकिस्तान की है, कपूर फैमिली। जी हाँ, द फेमस शेख फैमिली, इन सब ने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वो लेट पहुंच रहे थे अपनी शूट पे और वो लेट क्यों पहुंचे थे क्योंकि घर में बहुत मच्छर थे और डेंगू भी फैल चुका था, लेकिन जैसे ही मैंने बाबा शहजाद शेरी भैरजंकर सबको ये पंपिंग दी वो अपने शूट पे जल्दी पहुंचने लगे और ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और आसानी से यूज किया जा सकता है। आप लोग भी लेके आ सकते हैं अपने घर आज ही अभी। सो डू नॉट फॉरगेट टू ऑर्डर एंड बुक योर ऑर्डर नाउ। गुड है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। ये कम से कम 10-12 हज़ार जो है ना आइटम, 10-12 हज़ार आइटम तो आज हो ही गए, निकले ही निकले। प्लीज आइए, प्लीज आइए। वाह वाह, मॉडलों की रेल पेल मेरे सामने। लेकिन सारी बातें एक तरफ, जो सही वाला मंशा तो ना सिर्फ आपने अच्छा परफॉर्म किया बल्कि सारे जो आपके कंपेटिटर्स थे उन्होंने भी यही कहा कि आपको जीतना चाहिए। तो आपके लिए मेरे पास पॉन्ड्स की तरफ से है ये गिफ्ट हैम्पर, ये आपके साथ जाएगा। आपने बहुत ही अच्छा खेला, बहुत सारी तालियां आपके लिए। कलर भी मैच कर रहा है। जैसे कि हम ईद की 100% खुशियां मना रहे हैं उसी तरह ऑल पर्स भी देता है 100% प्योर गुडनेस। तो इसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं, एंजॉय करते रहिए ईद को हमारे साथ। वेलकम बैक टू वॉल्स प्रेजेंट्स द हम ईद शो विद यासर हुसैन पावर्ड बाय ऑल पर्स एंड लक्स। मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेरे गेस्ट मौजूद हैं, मंशा हैं, सनम हैं, मोमल हैं और निदा हैं। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ, लेकिन वक्त थोड़ा कम रह गया है। और साथ साथ आपको बता दूं कि दगाबाज दिल फिल्म आज आ चुकी है सिनेमाघरों में, तो आप लोग भी ज़रूर जाके देखें, करीब का सिनेमाघर हो या दूर का, फिल्म ज़रूर देखनी है क्योंकि फिल्म बहुत इंटरटेनिंग है। और आप लोगों के लिए मेरे पास मौजूद है वॉल्स की आइसक्रीम। वॉल्स की आइसक्रीम की एक कमाल बात यह है कि इनके बहुत सारे फ्लेवर्स हैं और वो ब्रिक्स में भी मौजूद हैं, टब में भी मौजूद हैं, तो ये पहले से ज़्यादा क्रीमियर और फ्लेवरफुल भी हो चुकी है। फिल्म आप लोग देखेंगे दगाबाज दिल जो आई है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह देखेंगे, सपोर्ट करना, सपोर्ट करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सारे अदाकार वही हैं जो हमारे सारे अदाकार दोस्त हैं, प्रोड्यूसर्स हमारे दोस्त हैं एंड उन्होंने और भी अच्छी फिल्में बनाई। बजाज शाजिया की फिल्म है, कास्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ एक दफा फिर, महविश हैं इसके अंदर, अली रहमान हैं, मोमिन साकिब हैं, बाबर अली हैं और एक साहब है आपके तो चाचा की फिल्म है, चाचा की फिल्म है, तज़ीन हुसैन भी है, तज़ीन हुसैन भी है, ऐसे बहुत लंबी चौड़ी, लैला वास्ती भी है, लैला वास्ती भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसका पोस्टर देखा अभी तक, ट्रेलर देखा, अब ये फिल्म भी देखेंगे इंशाल्लाह जाके। अब बस खत्म होने वाला है टाइम, तो अक्सर हम देखते हैं कि ईद पे लोग बड़ी गहरी इंग्लिश के अंदर मैसेजेस करते हैं, फॉरवर्डेड मैसेजेस आप लोगों को भी आते होंगे बहुत सारे, तो हमारे पास यहाँ इनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर एक पर्ची आप निकाल के अपने फैंस को कोई मैसेज दे दें जिसमें ये लव्स, हाँ इस लव्स को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई कोई ईद मैसेज क्यों चाहिए, पेपर हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा शीट चाहिए आपको, क्या मुश्किल ही तो कर, आप अमेरिका से हैं यहाँ पे, क्या मुश्किल, अमेरिका अमेरिका क्या होता है यार, तो अंग्रेजी चॉइस। अब मुझसे क्यों स्टार्ट हो रहा है सर, क्यों क्या आप अमेरिका से कोई कोई दुश्मन इंसान है दोनों ही, पहला फिर भी ठीक है, पहला ठीक है ना, मैं कह रहा था
आप सबको दे दे, मैं भी सोच लूं कि मैं क्या बोलूं। तो एकदम ही सामने ना क्या है, एक मोमल के लिए भी निकाल, मोमल के लिए भी निकाल लें, समझ नहीं आया करना क्या है। और आप एक उनको दे दें, आप एक मंशा को दे दें। हां मोमल प्लीज। जी मेरे सारे फैंस, अस्सलाम वालेकुम, मैं आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक विश करना चाहती हूँ। साथ साथ अपना आप लोग बहुत ख्याल रखेगा, सेलिब्रेस रखेगा, एंड अपनी जो है फैमिली को भी सेलिब्रेस रखिएगा, अपने खानदान और दोस्तों को भी सेलिब्रेस रखिएगा और सेलिब्रेस रहिएगा। सेलिब्रेस ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मोमल। अब बारी है निदा यासिर की। जी निदा, ओके, रमजानों में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो गई, रोजे लग रहे होते थे तो उस चक्कर में बहन की भाई से लड़ाई हो गई, मियाँ की बीवी से लड़ाई हो गई, बच्चों की सिबलिंग से लड़ाई हो गई, मतलब अपने बड़े वाले बहन भाइयों से लड़ाई हो गई। सो इसलिए मैं आपको कहना चाहती हूँ, सरीन ईद मुबारक। सरीन, सरीन अच्छा, आपकी बारी। सो हमारा ये जो ईद का दिन है, ये बहुत ही एक प्यारा दिन है जिसमें हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, फेलिसिटस ग्रीटिंग्स होती हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे के साथ प्यार बांटते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि आप सब अपनी ईद बहुत खुशी से और मिलजुल के बांटें। चलो भाई बात, हमारा तो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, तुम्हारा बहुत आसान है। तो कर देना, कर दे, कर दे। ऑस्पिशियस मौके पे, हाँ बिल्कुल, ईद के ऑस्पिशियस मौके पे आप तमाम देखने वालों को, ना सिर्फ मेरी तरफ से बल्कि मेरी तमाम दोस्तों की तरफ से, हम टीवी की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक, मिल बांट के रहे, प्यार से रहे और इनकी तरह मत रहे, ईदी दे दीजिए। अच्छा वैसे कोई एक सेलिब्रिटी ऐसा है जिसको आप चाहते हैं कि ईद के दिन आपके घर आए? मैं तो सबको चाहती हूँ। नहीं कोई हो सकता ना, सेलिब्रिटीज भी तो कुछ सेलिब्रिटीज के फैन हो सकते हैं यार। मैं चाहती हूँ कि यासिर मेरे घर आए। हाँ मैं भी ये चाहती हूँ, वॉलेट भर के आए यासिर, मैं चाहती हूँ कि तुम आओ और वॉलेट भर के आओ, मुझे नहीं और बल्कि मेरे बच्चों को भी तुम ईदी दो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी भाभी के बच्चों को भी, मेरी भाभी तो लड़की मुहिम पे आई हुई है। आप बताएं, जो भी हैं हमारे सीनियर्स वो सब आए किसी दिन, मेरी सास जो है हमारे साथ रहती हैं तो मजे मजे की बातें होंगी, मैं तो जरा क्वाइट हूँ, वो जरा बहुत कॉन्वर्सेशन। तुम क्वाइट हो? वेल आई मीन बड़ों से, क्वाइट हो बड़ों से, बड़ों से, नहीं होल्ड ऑन बड़ों से अपने हम उम्री में और बड़ों के साथ बात करने में फर्क होता है ना, तो जो सीनियर्स हैं उनके साथ जरा वो जो होती है मेरी बातें से बहुत बनती है। हाँ, ये अलग टैलेंट होता है। हाँ, ये बहुत टैलेंट होता है, बहुत टैलेंट, बहुत मजा आता है दोस्तों की अम्माएं सब, मतलब मेरी दोस्त कहती है आ जाओ प्लीज यार, क्या हो गया, मजा आता है। मतलब आप ना ये इस लेवल पे होते हैं कि ये बच्ची सही कह रही है, ये सच है जो ये कह रही है, हमारे बच्चे झूठे हैं, बहुत मजा। तुम आ जाओ मेरे घर। हाँ ठीक है, एक बात और हमें करनी है, वो छोटी सी वो कर लेते हैं आपके साथ। क्या क्या क्या? कि एक ऐसा सवाल जो मैं पूछना चाहता था लेकिन वो शो गुजर गया, मैं पूछा नहीं, कि कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी है जिसके साथ अगर आपकी जिंदगी तब्दील हो जाए, स्वैप हो जाए, तो वो कौन होगी? मोमल आपके लिए। हाँ दीपिका, दीपिका और आप? आलिया, मैं तो हाँ मैं आलिया चूज कर रही थी। ये सब रणबीर के चक्कर में हो रहा है। हाँ, मैं आलिया भट्ट। उनकी जिंदगी में से कोई नहीं है। मंशा आप? अंबानी की बहू। मुझे लोग एक्चुअली मेरे जहन में भी इसलिए क्योंकि रिसेंटली लोग मुझे ना व्हाट्सएप में तस्वीर लगाती इंस्टाग्राम पे, राधिका मर्चेंट, मैंने कहा कौन है राधिका मर्चेंट, आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने गूगल किया, इट इज दी अंबानी की बहू, मैंने कहा के साथ बच्ची मारते ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, देखभाल वाली बच्ची, किसी को नहीं पता चलेगा, साथ पानी की चलेगा, भी एक ही दिन यहाँ ख्वार हो रही है, भी एक ही दिन। सनम आप? मैं बताती रही हूँ, मैं जो अम्बानी की बहू है उसकी देखभाल वाली बन जाऊंगी, साथ घूमूंगी, साथ ऐश करेंगे। चलो मैं भी स्विच करके इधर ही आ रही हूँ। यू आर दीपिका, यू विल कम एंड डांस, दैट इज योर प्लेस। मेरी नाच होगी, शो का टाइम खत्म हो गया, एज द बहू तुम्हें बुलाऊंगी नाचने के लिए, डांस, मैं डांस का काम कर रही हूं तुम्हारे लिए, अब जाने का टाइम, अब कर दिया यार, मैं वाकई अब जाने का टाइम हो गया और हमें एहतरामन खड़े हो जाना चाहिए। हमें, मैं सबसे पहले अपने सारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करूंगा, वॉल्स का, ऑल्पर्स का, पॉन्ड्स का, एस अब्दुल खालिक का और लक्स का, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा शो बनाया। उसके बाद ये जो रह गया था ये इसको भी यूज करना जरूरी है, ये क्या है, बेनेवोलेंट। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने बेनेवोलेंट गेस्ट का और स्पॉन्सर्स का इसका मतलब ही अच्छा है ना,
तो अगली ईद पे आपसे जरूर मुलाकात होगी। अपनी ईद को और मीठा करते रहिए, लोगों में खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, आप लोग भी खुश रहिए, आबाद रहिए, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से, हम टीवी की तरफ से। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।